और 2 साल के आसान किस्तों में हम दे रहे। एक गरीब आदमी भी ले सकता है, एक अमीर आदमी भी ले सकता है, एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट भी कर सकता है, और जो छोटे लोग हैं, छोटे वर्ग के लोग हैं, जो दिल्ली में NCR में नहीं ले पाया, वो यहाँ लेकर के अपना रेजिडेंस बना के, एक आसियाना बना करके रह सकता है, खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकता है, अपनी झोपड़ी में रह सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। 40% पे हम रजिस्ट्री देते हैं, मोटेशन देते हैं, कब्जा देते हैं, 60% 2 साल में हम किस्तों पर लेते हैं। आज बना के आज आप यहाँ रेंट ले सकते हो, जैसे मार्केट में 5,000 ले रहा 4,000, तो यहाँ 3,000 ले लो, आप 2,000 ले लो, सारी सुविधाएं आपको, मीठा पानी है यहाँ पे, बिजली लाइट सबकी सुविधा। आप जब मीटर अप्लाई करोगे तो आपको लाइट और वो तार हम दे देंगे, खंबा कंपनी दे देगी, 2 साल के अंदर आपको रोड वगैरह सब बना करके दे देगी। अभी इस पे बजली बजली सब पड़ना शुरू होगा रोड के ऊपर, थोड़े दिन और एक आध हफ्ता रुक जाइए। वो सामने से जो आपका आ रहा है वो 25 फुट का रोड आ रहा है, उसके साथ में 110-110 गज का प्लॉट है 22x45, उसके उस साइड 64 गज का प्लॉट है, उससे उस साइड 66 गज का प्लॉट है, और इसमें 50-50 गज का प्लॉट है, और ये L टाइप का 117 गज का प्लॉट है। तो ये सारे प्लॉट हैं। पाँच एकड़ इसमें बिक गया सर, है ना? जी जी जी। एल के सारे प्लॉट्स निकल गए, गिने चुने प्लॉट्स बचे हुए हैं, बाकी 1 साइड है, 2 साइड ओपन है। सुप्रीम हिल्स के नाम से ये सोसाइटी बसाई जाएगी ये साइड को, और यहाँ पे 10,000 कंपनी काम कर रही है, रोजगार की कमी नहीं है। आज यहाँ बस करके आज इंडस्ट्रीज में फैक्ट्री के अंदर लोग जॉब कर सकता है, आज यहाँ पे ले करके आप बना सकते हैं, आज रेंट कमा सकते हैं, मीठा पानी है। आप सामने जो 50 फुट का रोड है उसके ऊपर सरकारी पानी भी है, बिजली है, सारा चीज़ है आप इसके ऊपर। तो यहाँ बसावट के बीच में है, खोड़ी जो मार्केट है, खोड़ी कला का 0 किलोमीटर पे आपका बच्चा चला जाएगा, दूध लेके आ जाएगा। ये तो 11 स्कूल है यहाँ पे, सरकारी 11 स्कूल है, सरकारी और गैर सरकारी। सरकारी स्कूल तो आपके साथ में है, सामने देखिए वो जो फैक्ट्री दिख रहा है वो आटे चक्की की फैक्ट्री है। तो यहाँ सारी सुविधाओं से लैस है, अगर अदर जगह की तुलना में देखेंगे तो आप सारी सुविधाओं से लैस है। आपको एक आदमी को क्या चाहिए, बच्चों के लिए स्कूल, पेशेंट के लिए हॉस्पिटल, नौकरी के लिए कंपनी, सामान के लिए दुकानें, तो सारी चीज़ है। कोने पे आप देखें पुलिस चौकी है, PS कोने है, पे पुलिस चौकी था, तहसील मेन रोड से जैसे यहाँ 3 मार्केट आपको टच कर रही है। पहला मार्केट है जो आपका भी वाड़ी का मार्केट, जो 15 किलोमीटर में सबसे बड़ा हब है, उसके बाद खोड़ी कला का मार्केट, यहाँ से उसका डिस्टेंस 4 किलोमीटर जी, और सारी इंडस्ट्रीज अभी वाड़ी में, एयरपोर्ट बन रहा है, रेलवे स्टेशन है, बस अड्डा है, सब कुछ है, बड़े बड़े होटल्स हैं, कम से कम 20-30 तो होटल होगा, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज का हब है, मार्केटिंग का हब है। तो एक तो वो हो गया, दूसरा आपको तिखोड़ी का मार्केट है, तीसरा तावड़ू का मार्केट, और इंडस्ट्रीज़ की बात करें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ की, तो सोना IMT यहाँ से 18 किलोमीटर इंडस्ट्रीज सबसे बड़ा है, मानेसर IMT सामने है, दारूहेरा IMT और बिलासपुर IMT, तो इंडस्ट्रीज़ तो बहुत है यहाँ पे, रोज़गार की कमी नहीं है। तो आज लेके रिल्को की कंपनी, जैगवार की कंपनी, अनगिनत है वो, तो इंडस्ट्रीज है तो वो तो है ही, ये पूरा रिको इंडस्ट्रीज तो यहीं पे, जी जी रिको इंडस्ट्रीज यहीं पे मेन जो, तो आज लेकर के मैं आपको बता दूं कि ये साइड खत्म होते ही जब डेवलप शुरू होगा तो 2 साल में डबल है यहाँ पैसा, 2 साल में डबल है पैसा यहाँ पे, बिल्कुल सही है। तो सही बात है, जब तक पेमेंट कर रहा होगा व्यक्ति जब तक उसका रेट यहाँ डबल हो चुका होगा, और 2 साल के आसान किस्तों में हम दे रहे। एक गरीब आदमी भी ले सकता है, एक अमीर आदमी भी ले सकता है, एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट भी कर सकता है, और जो छोटे लोग हैं, छोटे वर्ग के लोग हैं, जो दिल्ली में NCR में नहीं ले पाया, वो यहाँ लेकर के अपना रेजिडेंस बना के, एक आसियाना बना करके रह सकता है, खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकता है, अपनी झोपड़ी में रह सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है।
40% पे हम रजिस्ट्री देते हैं, मोटेशन देते हैं, कब्जा देते हैं, 60% 2 साल में हम किस्तों पे लेते हैं। तो सारी सुविधाएं हैं। अगर आप हमारे यहाँ लेते हैं तो हम कोई जीरो एक पैसे का कोई इंटरेस्ट नहीं लगता हमारे यहाँ, 0% कोई 0% कोई चार्जेज नहीं है, कोई एडिशनल चार्ज हमारे यहाँ नहीं है। है तो सर बढ़िया प्रोजेक्ट। अब है कि आप पहले कौन सा पसंद है वो टोकन कराइए, फिर देखते हैं, फिर खाने का प्रबंध है। मतलब बिना टोकन के खाना नहीं खिलाएंगे? नहीं, टोकन खाने के लिए टोकन की जरूरत नहीं है। ये तो आशियाना बनाने के लिए टोकन की जरूरत है, खाने के लिए टोकन की क्या जरूरत है? वो तो कंपनी की तरफ से सारी सुविधाएं हैं आपके लिए। सर ने आज डन कर रखा है कि कुणाल जी को 110 गज देने। हाँ, आज तो हर हाल में बढ़िया प्लॉट दूंगा मैं आपको। 110 गज ठीक रखा है आपके लिए, 51 नंबर 110 गज, उसमें और जो अच्छा होगा दे देंगे हम आपको। मेन 25 फुट रोड पे दिया जाएगा, आज हम मैडम के नाम से कटेगा रसीद। क्या देते देखिए जी, देखते देखते आदमी, अब जनवरी में जब हमने खोला था ना, अब वो जो देख रहे हैं ना वो खंभा, उससे उधर ही था थोड़ा सा, मतलब एक एकड़ भी नहीं खोला था हमने। उसी टाइम लोगों ने सारा कोने का वो करवा दिया। देखो अब तक की बुकिंग दिखाता हूँ, अब तक कितने बुक हुए। सिर्फ हमारा जो है ना, खाना खा लो, ढाई महीने का ही देखिए, ये बुकिंग हो चुकी है। ये ब्लैक मार्क जितने भी है ना सारे बुक्ड है, दिख रहे आ रहे। छोड़िए ना, आधार कार्ड निकालिए, हम देखते हैं, चलते हैं वहाँ बुकिंग काउंटर पे। डेबिट है, क्रेडिट है? क्रेडिट, क्रेडिट है ना भैया? हाँ जी, हाँ जी, 2% बता रहे हैं। ये भी 2% एक्स्ट्रा जाएगा, फिर रहने दीजिए, फिर वहीं पर। एक्चुअली हमें प्लॉट पसंद आ गया, हम बुकिंग काउंटर पर पहुँचे वहाँ, जो कि वहीं पर लगा हुआ था सेटअप। तो हमारे पास कैश नहीं था क्योंकि हम लोग बुकिंग कराने के उद्देश्य से गए नहीं थे, सिर्फ देखने के उद्देश्य से गए थे। लेकिन पसंद आ जाने के बाद मैंने देखा कि वहाँ पे आसपास के सारे प्लॉट बुक हो चुके थे, तो हमने सोचा कि चलो हम भी बुक करा लेते हैं। तो हमारे पास क्रेडिट कार्ड था, तो जब क्रेडिट कार्ड लेकर पहुँचे काउंटर पर तो वो 2% के लिए कह रहे थे। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे ये सोच के ही नहीं आए थे ना कि वहाँ पे जो पॉकेट में तो कार्ड ही होते हैं, ठीक है हम आपके बिना 2% ये ही कर देंगे, और उन्होंने कर दिया। तो इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप भी जब जाएँ वहाँ पर बुकिंग कराने के लिए तो आप बुक कराएँ, और किसी भी तरह से आप करा सकते हैं, कैश करा सकते हैं, डेबिट कार्ड से करा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से करा सकते हैं, पेटीएम वगैरह, मतलब जो भी आपके पास साधन है उस साधन के द्वारा आप वहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। ये सुविधा देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई, और मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज जो है मैं एक छोटे से प्लॉट का, जो कि 110 गज का प्लॉट है, प्लॉट नंबर 55, जो कि मुझे पसंद आ गया था। तो आज मैं दीपक सर, मैंने उसकी बुकिंग अमाउंट पे कर दी है। एक मिनट का टाइम चाहिए था बस। आप 2100 से भी पेमेंट कर सकते हैं, 2100 रुपये से भी पेमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर 2100 अगर आपको बुक कर लीजिए, अगर आपको सही नहीं लगता है तो 7 दिन तक आप। धन्यवाद मैडम, लेकिन हमने चूँकि ज़्यादा अमाउंट पे कर दिया क्योंकि मुझे वो प्लॉट ज़्यादा पसंद आ रहा था। आप भी देख लीजिए आपके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे तो लेना ही लेना था, तो मैंने 2100 से नहीं, सीधा 50,000 से बुक किया। हाँ जी, तो ये देखिए अब हमारे लिए वहाँ रसीद कट रहे हैं, ये प्लॉट नंबर जैसे कि आपको ये दिखा रहे हैं, ये वाला जो दिखाया था वही कह रहे हैं कि जो प्लॉट आपने लिया था वही वाला, आप मतलब जो आपने पसंद किया था वही मैं आप ले लिया था ना, आपने कहा है वो। तो ये भी एक ट्रांसपेरेंसी है कि आपको जो प्लॉट पसंद आता है आपको वही प्लॉट दिया जाता है, अगर वो उपलब्ध है तो, अगर उपलब्ध नहीं है तो फिर आपको दूसरा प्लॉट वहाँ पर। देखिए बहुत सारे प्लॉट हैं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसके अंदर, लेकिन इसके चारों तरफ अगर हम व्यूज देखते हैं तो देखने में बड़ा ही आनंदमय व्यू है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है और इंडस्ट्रीज है, मार्केट बिल्कुल पैदल डिस्टेंस पे था, तो ये सारा चीज़ देखते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो हमने वहाँ पर प्लॉट बुक कर लिया। तो आप भी अगर प्लॉट बुक करना चाहते हैं तो इसमें देखिए नंबर्स मैंने सारे दे रखे हैं, जो कि स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, तो आप उन सारे नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पर जो है फ्री 80 खाली है ना, साइट विजिट कराया जाएगा, वहाँ पे आपको सारा चीज़ दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, पसंद आए तो आप लें, अगर पसंद ना आए तो कोई बात नहीं।
तो आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर एक छवि दे दो सर, सर दीपक सर एक छवि दे दो सर।